सलामकुम जन, आप कैसे हो? आपसे भाई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। सो वीडियो होने वाली है पीर अजमल रजा कादरी जी की हजरत उमर का रुला देने वाला कोई वाक्य होने वाला है। सो भाई इसको प्ले करते हैं, देखते हैं ऐसा कौन सा वाक्य था। तो भाई थंबनेल पे फोटो बड़ी और लगाई है ना, अंकल और आंटी की एक। सो बाकी देखते हैं भाई। हाँ सही बात है। सो बाकी देखते हैं भाई क्या इसमें, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। इसका तर्जुमा क्या है? अब फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि जितनी कोई बंदा नेकी करे, अगर उसके मुताबिक नेकी कर दी जाए तो वो बदला होती है, और अगर थोड़ी बढ़ा के की जाए तो वो एहसान होती है। फरमाया रब करीम फरमाते हैं इस तरह करो, जरा सोच लो बचपन से लेकर आखिर तक जहां तक तुम मौजूद हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया है। अगर उससे बढ़ा के करोगे तो इसका मतलब है तुमने एहसान किया है। माँ बाप जो होते हैं ना, ठंडी छाओ मीठी जिंदगी, माँ अनपढ़ भी हो ना तो कम से कम यूनिवर्सिटी होती है, और बाप अगर बिल्कुल अंगूठा छाप भी हो ना, वो किसी कॉलेज में मदरसे में इदारे में ना पढ़ा हो, तो बेटे के हक में जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी अल्लाह बाप को अता करके भेजता है। माँ बाप को ना कुछ इल्मे लदुनी अल्लाह देता है कि बच्चों के लिए कैसे आगे बढ़ना है। माँ बाप एक हुसन है मुआशरे का। रब तबारक व ताला की देखे ना, अल्लाहु अकबर, दुनिया में किसी की मोहब्बत जांचनी हो ना तो मोहब्बत की तमसील दी जाती है। तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, अल्लाह लोगों के समझने के लिए मिसालें बयान फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने जब अपना आप समझाना चाहा ना, तवज्जो है मेरी बात पर, जब मालिक ने अपना आप समझाना चाहा तो मेरे रब ने माँ बाप की मिसाल बयान फरमाई। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा। और ये लफ्ज रब यहां दो माने में आया है, उलमा बैठे, रब का माना होता है तदरीजन पालना, का या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा जिन्होंने मुझे रब बन के पाला। यानी मतलब क्या, यहां रबूबियत का माना पालने के माने में, तदरीजन पालना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। ये इमाम सुयूती ने दुर्रे मंसूर में रवायत लिखी है। अच्छा भाई, अल्लाह ने भी मिसाल माँ की बयान फरमाई, फरमाया घर जाके अपनी अम्मा को देख लो, अम्मा तुमसे कितना प्यार करती है। बस उस प्यार को तोलना शुरू कर दो, 70 माओं से भी ज्यादा रब तुमसे मोहब्बत फरमाने वाला है। माँ के सीने में ना देखे ना, एक बच्ची होती है बीए वो उसने कर लिया, उसकी अम्मा रोज कहती है बेटे सवेरे उठा कर। सास के पास जाएगी तो वो कहेगी कि इसकी अम्मा ने सवेरे उठना सिखाया ही नहीं। अब हम बेटी कहती है अम्मा जी दो जावांगी वेखी जाएगी। अच्छा उसकी शादी हो गई, उसकी सास ने आहिस्ता आहिस्ता शिकवे शुरू कर दिए, खामन से कहने लगी तू इसको उठाता ही नहीं सवेरे। वो भी कहता है कमरे में जाके अम्मा शिकवा करती है तू उठती नहीं। और बच्ची लाडली थी वो नहीं थी उठती टाइम पे। जिंदगी के 22 साल 23 साल वो सवेरे नहीं उठी, वक्त पे नहीं उठी, मिसाल दे रहा हूं। फिर उसी बेटी को अल्लाह ने एक बेटा अता कर दिया। सुबह 100 आवाज उसकी अम्मा देती थी पर उसकी आंख नहीं खुलती थी, लेकिन उसी बेटी का बेटा शहरी के वक्त हल्का सा रोता है, सारी दुनिया सोई है पर अम्मा उसकी फटाफट जागती है, फटाफट जागती है। एक आदमी था तो उसकी बीवी इंतकाल कर गई और उसने तलाक दे दी। 10-11 साल का उसका बेटा था, उसने दूसरी शादी कर ली। एक दिन अपने बेटे से कहने लगा बेटे वो सगी अम्मा ठीक थी या ये वाली ठीक है? तो बेटा कहने लगा अब्बा जी ये ठीक है, वो सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, झूठी थी, ये सच्ची है। उसने कहा बेवकूफ, तेरी माँ झूठी थी? उसने कहा अब्बा बड़ी। का किस तरह? कहने लगा अब्बा जी मैं ना कभी, आपको पता मैं शरारती हूं, कभी मैं शरारत करता था ना, कोई बर्तन तोड़ देता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मार के बाहर निकालती थी, कहती थी मैं ताला लगाऊंगी बवर्ची खाने को, तुझे सारी रात रोटी नहीं देनी, तू आज भूखा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं देना, सारी रात नहीं देना, बड़े दावे करती थी, कसमें उठाती थी, पर बड़ी झूठी थी। आधा घंटा भी नहीं गुजरता था तो गलियों में मुझे ढूंढने लग जाती थी।
ढूंढ के लाती थी, ढूंढ के, और ला के ना तो गलती मेरी होती थी, रोना मेरी अम्मा शुरू कर देती थी, वे ओए मेनू ना सताया कर वे पुत्रा, फिर मेरी मर्जी का खाना मुझे पका के देती थी, मेरी मर्जी का, और फिर मेरी अम्मा मुझे तोहफा भी देती थी। अब्बा जी वो झूठी थी, पहले कह रही थी सारी रात नहीं देना, अब आधा घंटा, ये बड़ी सच्ची है जवाब भाई है, मैं शरारत करता हूँ तो थप्पड़ मार के निकाल देती है, कहती है रोटी नहीं देनी, फिर मैं सारी रात रो के गुजारता हूँ पर नहीं देती, ये सच्ची है वो झूठी थी, तू माँ के दर्द को क्या समझे। बच्चे तो कहते हैं अम्मा ने हमें कैद कर दिया, अम्मा कहती है मेरी मर्जी से खाओ, और तुझे नहीं पता उसने कैद नहीं किया, वो तुमसे प्यार बड़ा सच्चा करती है, बड़ा सच्चा प्यार करती है तेरे साथ, बड़ा सच्चा, बेटा बर्गर खा के आ जाता है, अम्मा कहती है रोटी खा ले, कहता नहीं आपने बैंगन पकाए हुए हैं मैंने नहीं खाने, तो अम्मा मिन्नतें करती है, कहती है चल तू दस की खाना है, तेनू सेवियां ना बना दें, फटाफट दाल पक जाएगी, क्या खाएगा, अब्बा जी मेरी तरह करीब से कहते हैं छड़ पर भूख लगेगी तो आप ही खा लेगा, लेकिन अम्मा कहती है इसने रोटी ना खाई तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो इस दर्द को समझ ना, मैं गुलाम हूँ एक कास्ताने का, और मैं समझता हूँ जो किसी का मुरीद ही नहीं, उस पर तो साया ही नहीं, उसे चाहिए किसी बुजुर्ग का साया हासिल करे, लेकिन भाई ये बात भी बड़ी सच्ची है कि मेरे जैसे पीर के हाथ में 5,000 रुपया नजराना दो ना पीर साहब दुआ करना, तो पीर साहब ने दुआ पक्की याद की हुई है सबके लिए, रटी रटाई अल्लाह खैर करे अल्लाह भला करे, और सबके लिए रट्टा लगाया हुआ है, और अम्मा को बेटा वैसे ही कह जाए, वैसे ही अम्मा मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ जरा दुआ करना, वो बीबियां मंगा के दुआए तंजीना पढ़ाना शुरू कर देती है, और सारी सारी रात मुसल्ले पे बैठी, इस दर्द को समझना, और भाई बड़ा वेल ड्रेस बेटा होता है, वेल ड्रेस नौजवान, वो 18,000 का जोड़ा पहनता है, 7,000 का जूता खरीदता है, वो कीमती किस्म की घड़ी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसी बच्चे के जब अपने बच्चे होते हैं ना, तो बीबी को कहता है ये ले 10,000 रुपया बच्चों के कपड़े खरीद ले, मेरे सही है अभी कल ही तो खरीदे थे, और बाप और तू समझा ही नहीं यार, 30 साल बाप ने जवानी सारी सऊदी अरब को दे दी, लेकिन तेरा ख्याल रखा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 30-30 साल परदेश में कंबल नहीं बदला, और जहां गए थे तो एक कंबल खरीदा था फिर बदला नहीं, तू माँ बाप के बारे में, और यहां बच्चे हिसाब करते फिरते हैं, अब भाई तुम्हें पिछले महीने भी 5,000 दिता सी, तुसी पैसों का करदे की हो, मां बाप से हिसाब करता है तू, तिर्मिजी शरीफ के लफ्ज है, एक सियाबी ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह पैसे विरासत के नहीं, मेरे अब्बा जी ने नहीं दिए मुझे, और मैंने खुद मेहनत करके कमाए, अब मेरा अब्बा मुझसे पैसे मांगता है तो क्या करूं, और मेरे हैं मैंने कमाए हैं, अब्बा जी ने नहीं दिए, विरासत नहीं, हिस्सा नहीं मिला, हुजूर मेरा अब्बा मांगता है तो मेरे लिए हुक्म क्या है, तो नबी पाक ने फरमाया क्या कहा तुमने, पैसे तेरे हैं, कहा हुजूर हाँ, तो फरमाया अब्बा किसका है, कहा या रसूलल्लाह मेरा, तो फरमाया अगर तू अपने वालिद का है तो तेरी हर शय तेरे वालिद की है, तू भी तेरे वालिद का है तो तेरा माल भी तेरे, मां और बाप ये तो हुसन है जिंदगी का, ये तो वकार है इंसान का, जब तक मां बाप का हाथ पकड़ के चलोगे ना रस्ते सीधे रहेंगे, और जिस दिन उंगली छोड़ के सड़क पे निकलना पड़ा ना सर चकराने लगेगा, याद रखना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लोगों का तो रुख ही उस दिन वादे होता है जिस दिन आदमी साये से महरूम होता है, अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगजेब आलमगीर की मां फौत हो गई, 350 कमरा था महल का, और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की, अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी, साथ ही वॉशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था, औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ, औरंगजेब की मां का जनाजा उठा तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया, फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे, एक शख्स ने कहा तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती है, उसने कहा मैं बादशाह हूं, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसे, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी, मेरी माँ बूढ़ी थी एक कोने में पड़ी रहती थी,
पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है, मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई। हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया, कहते मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज नहीं। मैं कहता हूँ साहब और भी बड़ी चीजें जायज है, वेह की शह जायज रह गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं, किसी के पाबंद नहीं। पर जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगामे निकाह दिया, या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहती हूँ हुजूर, किसी के पाबंद नहीं। पर मेरे महबूब ने फरमाया मेरा चचा मेरे वालिद की जगह है, मैं अपने चाचा से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। यह है पसंद की शादी जो मेरे नबी ने बयान फरमाई है। तू सारा कुछ क्रॉस कर करके गुजर जाता है, यहां तो हाल यह है कि पालने वाला कोई और साये में बैठने वाला कोई। बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये फल पकन ते आया ते लै गए होर व्यापारी। और बेटा गुजरता है अम्मा के दरवाजे के आगे से, अम्मा के दरवाजे के आगे बेटा अमरूद लेके आया है 6 किलो। तवज्जो है मेरी बात पर, इधर देखें जी, छोड़े थोड़ी देर हमारी सुने। वो अमरूद लेके आया 5-6 किलो, तो अम्मा के दरवाजे के करीब से गुजर गया रात को। तो कमाई खाने का टाइम आया ना, तो गुजर गया, तो वो वजीर आजम से डरता है ना, तो जाके बीबी से कहता है बीबी के हुकूक देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, लेकिन ये क्या बात हुई, तूने बीवी और मां का मुकाबला शुरू करा दिया, समझ तो सही, ये तेरे लिए काबे की जगह है और तू बीवी के लिए काबे की जगह है, उसे भी समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। 5 किलो अमरूद लेके तो मां के कमरे के करीब से गुजर गया है, बीबी को जाके कहता है चल आधा किलो अम्मा को भी दे आ, उसके कौन से दांत है। सो गाइस ये थी वीडियो और ये सही में एक आई थिंक रुला देने वाला वाक्य था, क्योंकि इस ये टॉपिक ऐसा है कि जो भी कोई सुनता है आई थिंक रो ही देता हो, कि मैं तो इस बारे में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती, मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल इसको लेके। बहुत प्यारे प्यारे किस्से उन्होंने सुनाए हैं कि हमेशा अपने पेरेंट्स की कदर करना सीखो ना, उनसे कभी सवाल जवाब ना करो कि आपने ऐसा क्यों, क्योंकि वो करते हैं आपके भले के लिए, हमेशा करते हैं, हमेशा उनके रिस्पेक्ट करो, हमेशा उनकी कद्र करो ना लाइफ में। और स्टार्टिंग की जो वाक्य है जो वो बता रहे थे स्टोरी सी, कौन सी माँ अच्छी लगती है, पुरानी या नई वाली, वो हमने पहले भी सुना है वाक्य, बट वो सेम चीज़ नहीं है, अलग अलग है। मैं वही चीज़ नोटिस कर रहा है, इसमें कुछ वर्ड्स अलग थे ना, अलग तरीके, बट बात तो बंदा वही कहता है सेम जो उसकी दिमाग में बैठे हो, जिस वाक्य पूरी वो कही है, तो इसमें भी वही थी, बट थोड़े थोड़े वर्ड्स में लग रहा था ये द्वारा से उन्होंने नए तरीके से सुनाया गया। तो बाकी तो ये था वाक्य, होप्स आपको पसंद आया। और पीर अजमल रजा गांधी के मैक्सिमम कमेंट्स आते हैं कि इनकी वीडियो बनाया करो, तो इसलिए हम बनाते हैं, और आप भी सजेस्ट करते हो, तो कोई अगर और स्कॉलर्स होंगे जिनके आप चाहते हो जरूर बताना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।